हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज है हमारी 22 जून 2023। तो कल रात तक जितने भी हमारे करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटजी के उस पर बात करेंगे। आज ये क्लास जो है छोटी है और जो एमसीक्यू है, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर जो एमसीक्यू देखो वो जो यूपीएससी का लेवल थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उसको भी रखेंगे हम साथ साथ, जैसे कि 2 या 3 दिन में ले लिया करेंगे उसको। और ये भी तो वीडियो को अच्छे से देखते हो चलना, समझते हो चलना, लाइक और शेयर करना। क्लास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई टीचिंग एग्जाम है, चाहे बीपीएससी है, चाहे आपका टेट है, सुपर टेट है, एमपी टेट है, प्लस जितने भी हमारे जो यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, सब में इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर को रिलेट करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन के सेंट्रल बैंक अवार्ड के लिए कौन से पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। शक्तिकांत दास जी हमारे जो है जो आरबीआई गवर्नर है, उनको लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के लिए पुरस्कार के नामित किया गया, तो कौन सा पुरस्कार है बताना है। तो ए ऑप्शन है हमारा गवर्नर ऑफ द ईयर, बी ऑप्शन हमारा गवर्नर ऑफ द अर्थ, सी ऑप्शन हमारा गवर्नर ऑफ द वेल्स, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोनों इंग्लिश में भी है और जो वीडियो पे हिंदी में भी। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास वाज द नॉमिनेटेड फॉर विच द अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड इन लंदन। तो ए ऑप्शन में हमारे गवर्नर ऑफ द ईयर, बी ऑप्शन में हमारा गवर्नर ऑफ द अर्थ, सी ऑप्शन में हमारा गवर्नर ऑफ वेल्स और डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस, तो बताना। तो भाई इसमें भी हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, गवर्नर ऑफ द ईयर। और देखो इस क्लास की पीडीएफ है ना, आपको क्लास खत्म होने के बाद आपके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन में 18 जून, बी ऑप्शन में 5 जून, सी में जो 21 जून, डी में हमारा 15 जून। तो भाई इसमें हमारा 15 जून इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप कहाँ का आह्वान किया गया है। ए ऑप्शन में मशहूरी, बी ऑप्शन में हमारा देहरादून, सी में हमारा लखनऊ, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसमें मशहूरी इज द करेक्ट हो जाएगा। तो कल भी क्वेश्चन लिया था मैंने, ये कल कुछ डिटेल एनालिसिस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन में 15 जून, बी में हमारा जो 16 जून, सी में हमारा 18 जून, डी में हमारा 20 जून। तो भाई इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है 15 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश, बी में हमारा उत्तर प्रदेश, सी में हमारा उत्तराखंड, डी में हमारा उड़ीसा। तो इसमें एमपी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर क्या रख किया गया है। ए ऑप्शन में छत्रपति शिवाजी, बी ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री संग्रहालय, सी में आया छाया केंद्र, डी में इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसमें हमारा प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है इसको, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये कल भी क्वेश्चन था, उसका डिटेल एनालिसिस किया है, कौन करता है, क्यों करता है, कब से क्यों किया है, उसका कारण क्या है। तो ए ऑप्शन हमारे गीता प्रेस, बी ऑप्शन हमारा नील कमल प्रेस, सी ऑप्शन में कैलाश सत्यार्थी, डी हमारे इनमें से कोई नहीं। तो भाई गीता प्रेस को दिया गया है, इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुली लद्दाख कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया। ए ऑप्शन हमारा जो बीएसएनएल, बी ऑप्शन हमारा इंडियन आर्मी, सी ऑप्शन हमारा मिनिस्ट्री ऑफ द अफेयर्स और डी ऑप्शन हमारा एनटीपीसी। तो भाई इसमें हमारा भारतीय नेवी, नेवी इज द करेक्ट आंसर है, तो बी इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पर मनाया गया। ए ऑप्शन में हमारा कर्नाटक है, बी में हमारा उड़ीसा है, सी में हमारा राजस्थान है और डी में हमारा उत्तर प्रदेश है। तो वेयर वाज द फर्स्ट ट्राइबल्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ए कर्नाटका, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी में हमारा उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ए ऑप्शन हमारा न्यूयॉर्क में, बी ऑप्शन हमारा दिल्ली में, सी ऑप्शन हमारा दुबई में, डी ऑप्शन हमारा कोलंबो में। तो भाई इसमें हमारा दुबई इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व बैंक में दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई। ए ऑप्शन हमारा नेपाल, बी ऑप्शन हमारा भारत, सी ऑप्शन हमारा बांग्लादेश, डी ऑप्शन हमारा भूटान। तो इसमें बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश की संसद को सहमति से आयु 13 से बढ़ाकर जो 16 करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। ए ऑप्शन में जापान, बी ऑप्शन में भारत, सी ऑप्शन में इंडोनेशिया, डी में अमेरिका। तो इसमें जापान इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री रियल एस्टेट एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। ए ऑप्शन हमारा उत्तराखंड, बी ऑप्शन हमारा हिमाचल प्रदेश, सी में हमारा कर्नाटक, डी में हमारा उत्तर प्रदेश। तो भाई इसमें हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र संगठन ने
कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ढांचा पर हस्ताक्षर किए, ए ऑप्शन में 2 वर्ष, बी में जो 6 वर्ष, सी में जो 5 वर्ष और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बीस में भी हमारे 5 वर्ष के लिए किए हैं, 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है भाई हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में सीबीआई जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली है, ए ऑप्शन हमारा जो आंध्र प्रदेश, बी में कर्नाटक, सी में तमिलनाडु, डी में गोवा। तो भाई सी इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु ने ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है भाई हमारा, कौन सा राज्य है या केंद्र शासित धरती माता पूजा करने के लिए राजा त्यौहार मनाता है, तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित जो हमारा जो यूटी है वो कौन सा मना जो धरती माता पूजा की करने के लिए राजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ए ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन में उड़ीसा, सी ऑप्शन में झारखंड, डी में हमारा छत्तीसगढ़। तो इसमें उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने स्वदेशी माओरी और मोयोरी लोगों को अवशेष न्यूजीलैंड को लौटाया, ए ऑप्शन हमारा यूएसए, बी ऑप्शन हमारा जो है यूके, सी में जर्मनी, डी ऑप्शन में हमारा जो है फ्रांस। तो इसे जर्मनी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा 18, भारत ने महिला 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य किया है, ए ऑप्शन में तमिलनाडु, बी में उड़ीसा, सी में जम्मू कश्मीर, डी में गोवा। तो इसमें हमारा तमिलनाडु